यार माफ करो ना, प्लीज यार माफ कर दो ना यार, प्लीज यार माफ। सुबह स्टार्ट करती हूँ। ओ माय गॉड, निकला नहीं निकला, छेद कर दिया। नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम, आदाब, सुप्रभात, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान। आई होप आप लोग होंगे बढ़िया, मस्त और स्वस्थ, और आपकी ज्योति भी बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है और हमेशा की तरह छोटे मोटे कामों में व्यस्त है। और आज सुबह का सबसे पहला काम है, बस उठते ही क्या है पता आपको, मुझे ना जो कपड़े मैंने धोए थे उनको सुखाना है, क्योंकि आज धूप मुझे लग रहा है अच्छी है, तो मैं ना पहले ये कपड़े सूखेंगे तब तक दूसरे कपड़े धुलेंगे। तो ये जो कपड़े हैं मेरे पास ये हैं कल के, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं कल के कपड़े, तो इनको मैं सबसे पहले डाल देती हूँ तार में ताकि ये और कपड़े धुलने तक सूख जाएँ, क्योंकि ये कल के कपड़े, तो इनमें कहीं कहीं पर ना जैसे कहीं कहीं कोने होते हैं वहाँ पर ना गीलापन है, तो सूख जाएगा तब तक। जल्दी से करती हूँ। तो सुबह का पहला काम था सब कपड़े सुखाना, जो कि हो चुका है डन, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अब चलते हैं और कामों की तरफ, काम जल्दी होंगे तभी तो हमें अपने आप के टाइम मिल पाए, इसलिए करते हैं जल्दी से झाड़ू पोछा फिर ब्रेकफास्ट, क्या क्या बताऊँ, तो चलती हूँ ठीक है। तो सुबह सुबह मिल चुकी हूँ सबसे पहले मैं अम्मा से। अम्मा गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। लोग किसी कर दो, मेरे को बहुत दिन से किया नहीं है आपने। पप्पी पप्पी अम्मा, पप्पी पप्पी, आज सबसे लूंगी मैं पप्पी। अब बारी आ रही एक और की, आज मेरे को ना अपना मूड सही करना है तो मैं पप्पी ले रही हूँ आज सबकी। एक्सक्यूज मी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब पी जाएगी मेरी चाय जो कि मैं आज पी रही हूँ। ये रिकॉर्ड बन गया यार, मैंने छोड़ दिया यार इस घर से कुछ लेना। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खर्चा कम करूंगा और अब से पीऊंगी गुड़ की चाय। क्यों खर्चा करना किसी का, है ना, ससुराल वालों का थोड़ा ना इतना खर्चा करते हैं, स्पेशली मेरे थोड़ा ना वो चीनी का खर्चा करेंगे, तो मैंने सोचा मैं गुड़ की चाय पीऊंगी। तो मुझे इस ट्रे में मिल चुकी है सब्जी, रोटी और चाय। मतलब लोगों के घर में प्लेट में मिलता है खाना और मेरे घर में मुझे मिलता है ट्रे में, तो आप समझ सकते हैं मेरी कितनी खातिरदारी की जाती है। और कुछ तो कढ़ाई को ही चाट के खा लेते हैं, ये भी एक पहाड़ी तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कढ़ाई को भी बोलते हैं कि थोड़ा, क्योंकि कढ़ाई हमें खुद धोनी पड़ती है ना, हम चाहते हैं इसमें कम मेहनत करें, तो इसलिए हम हाथों से उसको अच्छे से चाट देते हैं ना। पहाड़ी में क्या बोलेंगे चाटने को, तुम्हारे पहाड़ी में ना फिदा हो छे, मैं तुम्हारे पहाड़ी में फिदा हो छे, मैं केले तो कौन तबिला व्लॉग बना छे मैं। अरे हाँ यार, मैंने आपको बताना भूल गई ना, मिर्ची का अचार भी खा रही हूँ। बड़ी आफत आ जाती है, मिर्ची का अचार तो भी खा लेते हैं पर सुबह बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यार। ठंडी हो गई है, सब्जी भी ठंडा हो गया है, अब क्या करूँ, मैंने खा लिया, देखो आप मेरी स्पीड देखो आप। आप जेठानी हुई ना, जेठानी की स्पीड देवरानी से ज्यादा ही होती है हमेशा। बेटा स्पीड से कुछ नहीं होता है, जिंदगी तेरी भी झंडे है, इसके बाद काम ही करना है, चल खा फटाफट। मतलब आपको बाबा याद दिलाने की जरूरत है क्या, कहते कहते ये काम करना है वो काम करना है। खाऊंगे तो काम भी जल्दी करूंगे, आप भी जल्दी खा के जल्दी जल्दी काम करेंगे। काम नहीं फिर स्टार्ट हो जाओ अपनी जिंदगी झंडे करने में, ये ना जल्दी आओ जल्दी आओ। तो फ्रेंड्स आज हम बहुत मुश्किल में हैं, क्योंकि आज हम ले जा रहे हैं पहाड़, मतलब मेरा जो गद्दा है ना इश्की कर देती है उसमें सुसु, आपको पता है ना छोटे बच्चे सुसु कर देते हैं, तो वो गद्दा हम धूप में डाल लें, इतना भारी है ना, वहाँ तो मेरा अच्छा था सीधे बालकनी में, यहाँ तो सीधे ऊपर ले जाना, देखो बड़ी मैडम मेरी हेल्प करी, हम अटक गए। ओ माय गॉड, ओह तो आज ना बहुत अच्छी धूप आई, तो हमने सोचा इस धूप का फायदा उठाएं और कुछ काम को इजी करें, धूप में सुखाते हैं। फ्रेंड्स मेरी लग रही है, मेरी कितनी ज्यादा लग रही है, एक तो ब्लॉगिंग करो बोलने में ताकत, एक लेके आने में।
आप देखना मेरी ना जो जेठानी हो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती, मैं एक प्रैंक कर रही हूँ उन पर, देखना गुस्सा होने की एक्टिंग करूँगी। तो भाभी है छत में और मेरे डायलॉग तैयार हैं। भाभी मैं बहुत गंदी हूँ ना, मैं आपकी हेल्प करने नहीं आई, आप मेरा कितनी हेल्प करती हो, मेरे कपड़े सुखाने में हेल्प कर, मैं बहुत बुरी हूँ यार। और आपके देखो कपड़े मेरे को सुखाने चाहिए, जबकि आपने मुझे बोला था ना कि भैया का ये कपड़ा सुखा था, पर मैं अपने कामों में लग गई। प्लीज यार आप मुझे इग्नोर मत करो यार, प्लीज यार माफ करो ना, प्लीज यार माफ कर दो ना यार, प्लीज यार माफ कर दो ना यार, प्लीज यार माफ कर दो ना यार, मैंने आपकी हेल्प नहीं करी ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ यार। तो तब भी तो पहले मुझे आपका काम करना चाहिए था ना यार। अरे भैया जाने वाले हैं, चिल करो चिल। मैं आप सोची थी प्रैंक करूंगी पर फ्लॉप हो गया यार, मैं सोची थी मैं आपके आप मेरे थोड़ा गुस्सा गुस्सा निकालोगी, पर आपने पूरा उल्टा कर दिया। मुझे पता तो था आप मुझे गुस्सा नहीं होगे, पर तब भी ना। मर गई वो पूजा, कहाँ किस कोने में, वो मतलब वो पूजा मायके में मरी या ससुराल में मरी? ससुराल में मर गई। तो जो दूसरी पूजा के उत्पत्ति हुई वो कैसी है, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है? सब बच्चे छोटे थे ना, हैं मैंने बहुत इरिटेट हो जाती थी ना, क्योंकि आधा दिमाग खराब मेरा वही कर देती थी। फिर किस पे निकालो देखो मेरे को बना, कभी आपको भी निकल जाता था यार, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने भी आपको बहुत दुख दिया था जितना भी, मैंने भी तो आपको बहुत दुख दिए यार। पर कोई बात नहीं, चिल करो आप। और आज तो भैया जाने वाले हैं, आप देखो आपका आखिरी ओनली सहारा ज्योति गड़िया में है ना, अब हम दो ही है एक दूसरे के लिए तो यार। एक दूसरे क्या होगा ना, एक दूसरे पे क्या है? प्यार हम एक दूसरे से करते प्यार हम, कुछ है आज ही मेरे को भी नहीं आता। आप तो सिंगर हो ना यार, आपको तो सारे गाने आने चाहिए थे। हाँ हाँ क्लोथ क्लिप ना, लोग भी डर जाते होंगे यार हमारे कपड़े देख देख के, लोग भी डर जाते होंगे हमारे इतने इतने कपड़े देख के ना। ओ गॉड कपड़ों का ढेर, कपड़ों का ढेर। तो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ छत में, क्योंकि मैं आपको पता है ना मैंने गद्दा सुखाया है, तो मैंने उसको ना दूसरी तरफ कर देती हूँ ताकि आगे पीछे अच्छी से सूख जाए, है ना। तो ये क्या हो गया, इतनी मेहनत बर्बाद। OMG ये देखिए मैंने ना इसमें भी वो कपड़े ऊपर डाल थे, ये भी उड़ गए, ये भी उड़ गए, वो भी उड़ गए। यार भगवान जी क्या आप भी, क्यों आप ऐसा काम दोबारा दोबारा कराते, देखो सारे के सारे कपड़े उड़ गए। वहाँ मम्मी ने धोया था आज कम्बल, वो कम्बल भी गिर गया है नीचे, ये भगवान सारे के सारे। अब दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं ना, एक ही काम को जब दोबारा करना पड़े तो कितना गुस्सा आता है। तो थोड़ा स्माइल के साथ कर लेती हूँ, क्या पता पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, दोबारा हिम्मत आ जाए ना। भगवान जी क्या कर लोगे आप, दोबारा सुखा लूँगी मैं, फिर दोबारा करोगे, फिर दोबारा करूँगी, इतनी तो हिम्मत आपने मुझे दी है कि मैं हर काम दोबारा कर सकती हूँ, है ना। आप मेरा टेस्ट ले रहे हो ना, कोई बात नहीं मैं पास हो जाऊँगी उसमें, हमारा टेस्ट में पास हो जाती भगवान जी। भाभी तो है नहीं तो भगवान जी से बात कर लेती हूँ, क्योंकि उन्हीं ने गलत किया ना अभी तो। कौन से वायुदेव, वायुदेव जी थोड़ी कम वायु चलाइए। तो फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो चुका है और मैं धो रही हूँ बर्तन, तो अब मुझे वॉश करना ही बाकी है, मैंने घिस दिया है, मतलब जो मेहनत वाला काम है वो हो चुका है, बस धोना बाकी है। और भाभी बीन्स कट कर रही है मेरे साथ, और हाँ भाभी बीन्स कट कर रही है क्योंकि आज इनके जा रहे हैं पति देव, पति परमेश्वर। ये बहुत बुरा फील कर रही है क्योंकि बोल रही है कि मैं अपने पति के बिना कैसे रह पाऊंगी, उन्हीं के बिना तो मेरी शाम स्टार्ट होती थी, उन्हीं के बिना तो मेरी रात स्टार्ट, मतलब पूरे कैमरे के सामने मारने की कोशिश की जा रही है देवरानी जी को। क्या बोल रहे हो, भाभी बहुत शर्मा रही है, तुमने शर्मा रही है हट कि अपने मेरे पति से ही मेरी सुबह स्टार्ट की थी। ये मेरा मुंह इसलिए बंद कर रही है क्योंकि यहाँ पे पापा मम्मी प्रेजेंट है, डरती है ये बहुत ज्यादा और मुझे बोलती कि मैं डर रही हूँ। हाँ
क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंड्स डरती नहीं हूँ, इट्स माय हैबिट. तो लग जाते हैं किसी को. और आपने देखो क्या गंदगी लगाई मेरे फेस में, व्हाट इज दिस, तो भाभी ने आज बिल्कुल रेस्ट नहीं लिया है क्योंकि अब भाभी ने बनाया भैया के लिए खाना रास्ते के सफर के लिए. तो भैया की इसका ढक्कन कहाँ गया, इसका ढक्कन यहाँ होगा, देखा आपको कितना वो हो रहा है, दुख हो रहा है आपको भैया के जाने का, इसलिए आप सामने वाली चीजें भी, जो सामने रखी चीजें उसको भूल जा रही हो. अरे दिखाओ तो सही है आपने क्या स्पेशल बनाया है, बस छुपा देती हूँ ना अभी. कितना टेस्टी बनाया, हमारे लिए तो नहीं बनाती हो आप कभी ऐसा है, बहुत चल्लाक है, यही तो प्यार दिखता है. हाँ हमारे लिए तो नहीं बनाती इतनी मसालेदार सब्जी, और साथ ही साथ रोटी ना होगी. चलो भाभी तैयार हो चुकी है भैया को टीका लगाने के लिए, साथ ही साथ बुआ भी आ चुकी है भैया को मिलने के लिए, और हमारी अम्मा भी, अम्मा आओ बैठो, और मम्मी भी बस देख रही है कि अब भाभी सबका टीका लगाएगी एक एक करके. जय श्री राम. वेरी जय श्री राम. अब टर्न है मम्मी का, ऐसी एक एक करके सबका टीका लगेगा. और और अम्मा अपना प्यार दिखा रही है जाते जाते, बोल रही है कि तू अपना ध्यान देना, अच्छे से खाना पीना सब कह रही है ना अम्मा. मामा को बाय कहा, मामा को बाय कहा, तो मम्मी और पापा जा रहे हैं भैया को छोड़ने के लिए. तो फ्रेंड्स भैया भी चले गए, और मैडम, क्या मैडम, कुछ नहीं, इसको मैं रुलाती नहीं हूँ यार, बोल बोल के इंसान रो जाता है ना. मैं नहीं रोने वाली, मुझे पता है, क्योंकि अब जो आर्मी वाइफ्स होती है या जो डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं उनको आदत हो ही जाती है, और अपने दिल को स्ट्रांग बनाएंगे तभी तो जी पाएंगे ना अपने प्यार के बिना ना भाभी, क्योंकि और खुशी भी महसूस होती है जब दोबारा आने वाले थे ना, इस इंतज़ार में हम भाई कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनको और ज़्यादा प्यार करेंगे, है ना भाभी. तो भाभी को मैं वॉक करा रही हूँ अपने साथ ताकि इनसे प्यारी प्यारी बातें कर सकूं. आज हम अपना बचपन फिर से जी रहे हैं क्योंकि आज हम बैठे हैं अपनी कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों के साथ जो कि हैं बहुत ज़्यादा क्यूटी क्यूटी, जैसे जिया हो गई, प्रिया हो गई, और केके, इसका ना शॉर्ट नेम केके है, वैसे इसका नाम है काव्यांजलि. तो बच्चों को आजकल कूल नेम पसंद आते हैं, और ये अपनी ही है जयश्री, और ये भाभी इनकी हेल्प कर रही है आग जलाने में क्योंकि दे ऑल आर फील कोल्ड ना. कोल्ड लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो खाली क्यों जला रहे हो तुम लोग, अम्मा चिंता कर रहे हो कि हैं ये जी, ये कैसा लग रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है. तो वो कौन से, याली आंटी पसंद है, याली चाची पसंद है, या मैं हूँ पसंद, यार ये बहुत ही अच्छा मक्खन लगाती है यार, ये तो बहुत ही अच्छा मक्खन लगाती. भाभी कोशिश कर रही है आग बुझाने की. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, निकला नहीं निकला.
तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला आ रहा होगा क्योंकि हो रहा है सोने का वक्त और आज बच्चे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मौज मस्ती क्योंकि आज इनके जा चुके हैं पापा, तो पापा का डर हो चुका है ख़त्म। तो थोड़ी बहुत तो मौज मस्ती बनती क्योंकि और दिन थी सैतानियों का लेवल कम और आज सैतानियों का लेवल बढ़ चुका है और भाभी भी थोड़ी बहुत हैं उदास क्योंकि इनका हो रहा है सर दर्द, क्योंकि ना होता ही है क्या बताऊँ अब मैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी हम ब्लॉग की एंडिंग कर लेते हैं क्योंकि मुझे भी इस गहल्ले गुल्ले में थोड़ा और हल्ला गुल्ला का लेवल बढ़ाना है इनको डांट के। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना भूलना मत। बाय बाय हिंदुस्तान, जय हिंद, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। ये है मेरा फैमिली की आवाज़।